एपिसोड 13 के फर्स्ट सीन में हम साय को देखते हैं जो शहर में फैल रहे चक्रा की छानबीन करने के लिए एक पुरानी जगह जाता है, जहां उसे फाउंडेशन के एक पुराने बंदे तानुकी के बारे में पता चलता है, जिसने हासिरामा सेल की मदद से गोजू तेनु नाम के एक कोर्ट प्रोजेक्ट को चलाया। और फिर साय को इतना पता चलते ही उसको यहाँ एक फोटो मिलती है जिसमे हम एक लड़की को देखते हैं जिस पर यह प्रोजेक्ट कोर्ट गोजू तेनु का एक्सपेरिमेंट किया गया था। तभी साय ये देखकर अपने साथियों से कहता है, मुझे पता चल गया कि इस सबके पीछे किसका हाथ है। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ हम मित्सुकी को देखते हैं जो ब्रूटो को बताता है भूत वाले हादसे के पीछे वो मार्क्स वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि उनकी दोस्त क्लास रैप सुमीरे है। फिर इसके बाद हम सुमीरे को देखते हैं जो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। तभी दूसरी तरफ हम शिकामारो को देखते हैं जो नारुतो को बताता है कि अब तक जो भी चक्रा चोरी होने का हादसा हुआ है उस सबके पीछे सुमीरे है और उसके पिता का नाम तानुकी है, जिसने अपने मरने से पहले अपनी बेटी में गोजू तेनु डाला था। तभी शिकामारो के इतना कहते ही यहाँ काकासी आता है और कहता है, अगर ये डांजो से जुड़ा है तो इसे मैं रोकूंगा क्योंकि डांजो के साथ साई की तरह मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। फिर इसके बाद हम बुरुटो को देखते हैं जिसे मित्सुकी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी मित्सुकी कहता है, तुम्हें यकीन नहीं है तो जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, अब सुमीरे भी जानती है कि वो और नहीं छुप सकती है, इसलिए वो अब अपने आखिरी हमला करने के लिए तैयार है। पहले तुमने जो भी भूत वाली घटना देखी थी वो सब चक्रा इकट्ठा करने के लिए था। तभी मित्सुकी के इतना कहते ही एक धमाका होता है और ब्रूटो मित्सुकी से कहता है, ये सेंजू पार्क में क्या हो रहा है। तभी मित्सुकी कहता है, लगता है सुमीरे ने अपना काम शुरू कर दिया है। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ काकाशी शिकामारू और नारुतो से कहता है, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान काफी लोगों ने अपने परिवार को खोया है, अगर मैं उस टाइम विलेज के सभी लोगों को चेक करके उसमें फाउंडेशन के आदमियों को ढूंढता तो ऐसे लोगों में हलचल पैदा हो जाती, इसलिए हमें ये रूल बनाना पड़ा था कि जो भी फाउंडेशन से जुड़ा होगा हम उसकी आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे। और यही एक कारण है कि सुमीरे के इतना सब करने के बाद भी हम उसका पता नहीं लगा पाए। तभी शिकामारू कहता है, आपने सही फैसला लिया था लॉर्ड सिक्स काकाशी, उस टाइम अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज सुमीरे की तरह साई भी खुद को शक में डाल देता और सुमीरे की तरह बदले की भावना में जी रहा होता। तभी नारुतो कहता है, सुमीरे की माँ कोई निंजा नहीं थी लेकिन उसका पिता एक दुष्ट निंजा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुमीरे बच्ची है, हम उसको सजा दे ये ठीक नहीं है। तभी शिकामारू कहता है, हिडन लीव विलेज में शांति बनाना हमारा काम है, इसलिए हम किसी पर भी रहम नहीं खाएंगे भले ही वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। तभी काकाशी कहता है, तुम खराब समय में किताब जैसे बन जाते हो। और इतना कहते ही काकाशी बताता है कि मैं डांजो से जुड़े कुछ राज पता करने के लिए कुछ छानबीन कर रहा था। तभी मुझे इसी दौरान पता चला था कि सुमीरे के डैड ने उसके अंदर गोजू तेनु को डाला था ताकि वो उसके जरिए नियो को बुलाकर लीव विलेज को तबाह कर सके। ये सब डांजो की पुरानी की हुई गलतियां उसके काम उसके मरने के बाद भी आज चल रहा है। तभी काकाशी के इतना कहते ही एक धमाका होता है और काकाशी विंडो से बाहर देखने लगता है। फिर इसके बाद हम साय को देखते हैं जो धमाके की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर इसके बाद दूसरी तरफ हम साय की टीम को देखते हैं जो सुमीरे को ढूंढकर उसको पकड़ी रही होती है कि तभी सुमीरे इनसे बचने के लिए उन पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर साय आ जाता है जो सुमीरे पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है, डांजो ने इस विलेज को बचाने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि गांव को तबाह भी किया जिस वजह से ये हो रहा है, लेकिन मैं फिर से वही पुरानी गुस्से और बदले की आग को दोबारा नहीं सुलगने दूंगा। मैं तुमसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अतीत में ऐसा किया था, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकता हूँ, इसलिए तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और इतना कहते ही साय सुमीरे को सील करने के लिए स्क्रोल निकालता है और फिर हम सुमीरे को देखते हैं जो अपने डैड की कही आखिरी बात याद करती है जो उसके डैड ने उससे मरने से पहले कही थी, सुमीरे तुम मेरी जगह हमारा बदला लोगी, सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो, इसलिए तबाही करने में ज्यादा समय मत लगाना। तभी सुमीरे के इतना सोचते ही एक रोशनी निकलती है जिससे गोजू तेनु का चक्रा पूरा हो जाता है और नियो समन हो जाता है, जिसे देखकर सुमीरे यहाँ से भाग जाती है और नियो साय पर हमला करता है लेकिन साय उसके अटैक से बच जाता है। तभी दूसरी तरफ हम ब्रूटो को देखते हैं जो ये देखकर मित्सुकी से कहता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं खुद सुमीरे के पास जाकर उससे ये बात पूछूंगा। और इतना कहते ही ब्रूटो यहाँ से भाग जाता है और ब्रूटो के जाते ही मित्सुकी को अपने बॉस से सुमीरे को मारने का ऑर्डर मिलता है। तभी मित्सुकी अपने बॉस की बात सुनकर ब्रूटो के पीछे चला जाता है। फिर इसके बाद हम न्यू को देखते हैं जो साई और उसकी टीम पर अटैक करता है जिससे साई और उसकी टीम बच जाते हैं। तभी इसी दौरान हम काकाशी को देखते हैं जो न्यू को रोकने के लिए उस पर पर्पल लाइटनिंग से अटैक करके उसकी पूछ काट कर साई से कहता है,
हमें न्यू को विलेज में जाने से रोकना होगा। तभी काकाशी के इतना कहते ही न्यू उन पर अटैक करता है, जिससे काकाशी और साय बच जाते हैं। लेकिन उनके दो निंजा न्यू के अटैक में फंस जाते हैं और न्यू उनका चक्रा चुराने लगता है। तभी ये देखकर साय और काकाशी इन दोनों निंजा को न्यू के अटैक से फ्री कर देते हैं, जिसके बाद काकाशी साय से कहता है हमें इसे यहीं घेरना होगा। तभी काकाशी के इतना कहते ही ये सभी लोग मल्टी मूड वॉल का यूज करके न्यू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर इसके बाद हम न्यू को देखते हैं जो गुस्से में आकर साई और काकाशी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी न्यू को अपनी तरफ आता देखकर काकाशी साई से कहता है हमें इसे यहीं हराना होगा, अगर ये विलेज में घुसा तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए हमें बैरियर टीम की मदद से इसे यहीं रोककर हराना होगा। तभी काकाशी की ये बात सुनकर बैरियर टीम न्यू को एक बैरियर के अंदर कैद कर देते हैं। फिर इसके बाद हम मित्सुकी को देखते हैं जो बुरुटो को ढूंढ कर उससे कहता है बुरुटो मुझे नए ऑर्डर मिले हैं, इसलिए मुझे अब सुमिरे को मारना होगा। तभी ब्रूटो कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तभी ब्रूटो के इतना कहते ही मित्सुकी अपने सांपों से एक क्लोन बनाकर ब्रूटो को पकड़ लेता है और यहाँ से चला जाता है। तभी मित्सुकी के जाते ही ब्रूटो अपने शैडो क्लोन से खुद पर ही हमला करके मित्सुकी के क्लोन को तबाह कर देता है और मित्सुकी के क्लोन के तबाह होते ही ब्रूटो की जोगन एक्टिवेट हो जाती है और वो नियो का चक्रा सुमिरे से जुड़ा होने के उससे वो सुमिरे को ढूंढ लेता है और उसके पीछे चला जाता है। फिर इसके बाद हम काकाशी और साय को देखते हैं जो बिना चक्रा यूज करे सभी निंजा के साथ मिलकर नियो को पकड़े होते हैं। तभी इसी दौरान यहाँ नारुतो आता है और काकाशी से कहता है लेट आने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अब मैं इसे एक ही वार में खत्म कर दूंगा। तभी काकाशी कहता है बेवकूफी मत करो, अगर तुमने कुरामा का चक्रा यूज करा तो नियो उसे सोख कर और ताकतवर बन जाएगा और हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा तुम बैरियर टीम के पास जाकर उनकी मदद करो। फिर इसके बाद हम सुमिरे को देखते हैं जो बैरियर देखकर समझ जाती है कि नियो कमजोर हो गया है और वो अब बैरियर को तोड़कर बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए उसे अपना चक्रा देना होगा। तभी सुमिरे के इतना सोचते ही मित्सुकी उस पर अटैक करता है, लेकिन सुमिरे मित्सुकी के अटैक को ब्लॉक करके उसको दूर फेंक देती है और उससे कहती है तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तभी मित्सुकी कहता है जब तुम हॉस्पिटल में थी तब मैंने तुम्हारे पास अपना एक सांप छोड़ा था। और इतना कहते ही मित्सुकी कहता है अब तुम ज्यादा तबाही नहीं फैला पाओगी क्योंकि मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। और इतना कहते ही मित्सुकी सुमिरे को मारने के लिए उस पर अटैक करके उसको मारने ही वाला होता है कि तभी इसी दौरान यहाँ ब्रूटो आ जाता है और मित्सुकी को रुकने को कहता है। तभी इसी दौरान सुमिरे ब्रूटो को देखकर मित्सुकी से बचकर पीछे हट जाती है, जिसके बाद ब्रूटो सुमिरे से कहता है सुमिरे क्या ये सच है कि गांव में जो कुछ भी हुआ है उस सबकी जिम्मेदार तुम हो। तभी सुमिरे कहती है ये सच है, मेरे डैड का मकसद था हिडन लिप से बदला लेना क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था, मेरे डैड अब जिंदा नहीं है इसलिए उनका बदला मैं लूंगी। तभी ब्रूटो कहता है बदले की भावना छोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तभी सुमिरे कहती है वो मैं नहीं कर सकती, पर तुम क्या करोगे ब्रूटो, क्या तुम मुझे मारोगे। तभी सुमिरे की बात सुनकर मित्सुकी कहता है मुझे लगा ही था ब्रूटो कुछ ऐसा ही करेगा। और इतना कहते ही मित्सुकी सुमिरे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ये देखकर ब्रूटो दोनों को रोकने के लिए उनके बीच में चला जाता है और उनके अटैक को रोक कर उनको रुकने का बोलता ही है कि तभी अचानक उसकी जोगन में से रोशनी निकलती है और एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद हम न्यू को देखते हैं जो इस पोर्टल में चला जाता है और काकाशी नारुतो से कहता है दूसरी जगह जाने वाला जुस्सु आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर इसके बाद हम न्यू को देखते हैं जो ब्रूटो के पोर्टल की मदद से सुमिरे के पास टेलीपोर्ट होकर उसको अपने साथ एक दूसरे डायमेंशन में ले जाता है। तभी ये देखकर ब्रूटो सुमिरे को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और साथ ही मित्सुकी भी ब्रूटो को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। और फिर इन लोगों के जाते ही पोर्टल बंद हो जाता है और सुमिरे के बैग से उसकी हेयर क्लिप नीचे गिर जाती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पे एंड होता है।